जैसे तो लोगों को पता है कि फॉर्मल लेटर का जो भी स्ट्रक्चर वगैरह है वो सब लोग बता दिए, ठीक है क्लियर। अब यहाँ डिस्कशन होगा कि फॉर्मल लेटर से कितने सारे एमसीक्यू क्वेश्चन बना सकते हैं, फिर बन सकता है, फिर हो सकता है, ठीक है। वो सर्कल सब यहाँ पर जितना भी है इम्पोर्टेंट सब है, ठीक है, जिसको ध्यान में देखना है और अच्छे से सोल्यूशन निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए फॉर्मल लेटर लेटर शुड बी डैश टू हैव द डिजायर्ड इफेक्ट ऑन द रेसिपिएंट, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें लिखा है, ऑप्शन ए इन प्रॉपर फॉर्मेट, ऑप्शन बी ग्रामेटिकली, ऑप्शन सी रेलिवेंट और ऑप्शन डी ऑल, ठीक है। तो अगर एक लेटर जो होता है ना, उस लेटर में हम क्या करें वो लेटर हम पूरा इफेक्टिव बने और बहुत बढ़िया बने, ठीक है, उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो उसमें होना चाहिए क्या, एकदम प्रॉपर फॉर्म होना चाहिए, फॉर्मेट बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है, पहला तो ये रहेगा, मतलब ये भी सही है मेरा, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, है ना। तो अगर लेटर हम लिख रहे हैं तो क्या उसमें गलती करने सही होगा नहीं ना, तो हमारे पास क्या लिखने का तरीका जो ग्रामेटिकली करेक्ट हो भी होना चाहिए, ये भी सही है, रेलिवेंट ये भी सही है, इसका मतलब क्या है, ऑल ऑप्शन डी मेरा सही है, ठीक है क्लियर। क्वेश्चन नंबर टू, हाउ टू इन द मैन बॉडी ऑफ द फॉर्मेटेटर, जब फॉर्मेटेटर जब तुम किसी भी फॉर्मेटर को बंद कर रहे हो, खत्म कर रहे हो, पूरा कर रहे हो, ठीक है, तो फिर लास्ट में क्या होना चाहिए, तो बाय टेलिंग द रेसिपिएंट व्हाट ही शुड बी डूइंग नेक्स्ट, इसको लिखा रहेगा कि अब अगली बार क्या करने वाले हैं, फिर बाय शोइंग लव, फिर लव दिखाना है, बाय डिस्कसिंग वेदर, ठीक है, या फिर तुमको ये बताना है कि हाँ वहाँ का मौसम कैसा है, या फिर ना इसमें से कोई, ठीक है, तो हम इसमें से क्या चूज करने वाले हैं, बोलो। कोई नहीं, कोई नहीं, इसमें लिखा हुआ है हाउ टू इन द मैन बॉडी, आप एक मैन बॉडी को मतलब जब लेटर लिखते हैं तो जो मैन बॉडी मेरा है हम उसमें क्या ऐसा लिखते हैं जिससे कि लिखने के बाद प्रिंट किया जाता है, हम उसको बोलते हैं ना कि हाँ जो भी मैंने मैटर यहाँ डाला है कृपया करके उसमें नेक्स्ट एक्शन आप जरूर लें, ठीक है, नेक्स्ट एक्शन जरूर ले, है ना, ठीक है। तो मतलब मेरा यहाँ क्या आ जाएगा आंसर, बाय टेलिंग द रेसिपिएंट व्हाट शुड ही बी डूइंग नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर ए, क्लियर क्लास, ठीक है, टिक लगाते जाओ, मतलब टिक लगा रहा है क्या, जी सर, क्या बच्चा है, तुम्हारे सामने समोसा रखा हो, बोलेगा खाओ तो खाएगा तो ठंडा जाएगा, फिर आप बोलने कैसे खा लेंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट लिखा हो रहा था, व्हाट वुड यू राइट इन द ओपनिंग पार्ट ऑफ ए फॉर्मल लेटर, जब हम फॉर्मल लेटर को ओपनिंग कर रहे हैं, लिखना शुरू करते हैं, तो ओपनिंग में क्या लिखते हैं, आस्किंग अबाउट द हेल्थ, या आस्किंग अबाउट द फैमिली, या इन्फॉर्मिंग अबाउट द पर्पस, और राइटिंग द लेटर, और डी नन। जब स्टार्ट करते हैं लेटर लिखने के लिए तो हम शुरू में क्या करते हैं, पूछते हैं तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, इन्फॉर्मेशन अबाउट, मतलब ये नहीं होगा, ये गलत हो गया ना, ये गलत हो गया, कैंसिल, क्या है, आस्किंग अबाउट फैमिली, अपने परिवार के बारे में पूछते हैं, ये भी गलत हो गया, इन्फॉर्मिंग अबाउट पर्पस और राइटिंग द लेटर, हम लोग इन्फॉर्म करते हैं कि हम लोग ये लेटर किसके लिए लिख रहे हैं, किस पर्पस के लिए लिख रहे हैं, है ना, ये सही होगा ना, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, क्लियर, ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है, समझे। चलो क्वेश्चन नंबर फोर चलते हैं, रेडी, क्वेश्चन नंबर फोर, द की पॉइंट ऑफ ए फॉर्मल लेटर इज राइटेन इन विच पार्ट ऑफ ए फॉर्मल लेटर, इसमें लिखा रहता है कि फॉर्मल लेटर का जो की पॉइंट होता है ना, की पॉइंट वो कहाँ लिखा रहता है लेटर के, तो इंट्रो शुरू में लिखा रहता है, हेडिंग या सब्जेक्ट या फिर बॉडी कहाँ लिखा रहता है, की पॉइंट का मतलब कि लेटर का डिस्क्रिप्शन करते हैं हम लोग, ठीक है, हम बताते हैं कि लेटर तो मैंने लिखा है लेकिन उसमें मैटर क्या है, सब्जेक्ट बताते हैं, तो कहाँ कहाँ रहेगा, बोलो, चेंज में रहेगा, सब्जेक्ट तो हम ये शो करते हैं ना कि हाँ हम किस पे लिख रहे हैं, लेकिन मैटर मेरा कहाँ जाता है, सारा का सारा मैटर की पॉइंट वहाँ सब बताते हैं उसको, ऐसे ऐसे करना इस तरह है ना, बॉडी बॉडी, ठीक है, मतलब कि ऑप्शन ए इंट्रो गलत हो गया, ऑप्शन बी भी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया, डी सही सही हो गया, ठीक है, ध्यान देना है, ओके
मैटर से याद रखना। चलो आगे देखो, यहाँ तक किसी पढ़ो नहीं ना है। चलो नेक्स्ट चले, व्हाट इज द एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन टू शो द पर्पस ऑफ योर लेटर। इसमें लिखा हुआ है कि एक्यूरेट प्रेजेंटेशन मतलब कि जब लेटर हम लिखते हैं तो एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन टू शो द पर्पस ऑफ योर लेटर किस चीज में लिखा रहता है। देखा जाए तो उस लेटर का जो पर्पस है, जो हम शो करना चाहते हैं बिल्कुल क्लियरली कि मैं जो लेटर लिख रहा हूँ तो किस मैटर पर लिख रहा हूँ, या फिर वो किस टॉपिक पे है, वो किस मॉडल पर आधारित है, किस फॉर्मेट पे है, ठीक है ना, तो उसमें रहता है। प्लीज नोट फॉर्मल लेटर या अटेंशन फॉर्मल नोटिस या फिर सब्जेक्ट फॉर्मल नोटिस या फिर अनाउंसमेंट फॉर्मल नोटिस किस में होगा। चलो इसका आंसर बताओ, दो सेकंड के बाद बताएंगे। चलो देखो, तो प्लीज नोट फॉर्मल लेटर नहीं होगा, ठीक है, हम यहाँ आग्रह नहीं कर रहे हैं। अटेंशन फॉर्मल लेटर मतलब हम कुछ आधार नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सब्जेक्ट फॉर्मल लेटर मतलब ये तो मेरा सवाल क्या है, सही फॉर्मल होना चाहिए तो बेसिकली होना चाहिए, ठीक है, ये भी आगे समझे। तो पता है कि दिमाग में क्या चल रहा है, तो लोग तो चारों दौड़ता है कौन सा ऑप्शन होगा कौन सा नहीं होगा, ठीक है, अरे ये नहीं ये नहीं होगा, ओह हो ये होना चाहिए था, नहीं ये बड़ा सही हो, सब अंदाजे ठीक है होना चाहिए, ओके थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ कि आंसर क्या होना चाहिए था, आई थिंक है ना। अब मुझे लगता है क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व कर लेगा, ठीक है, इसको मिटा दें। जी सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ब्लॉक और फॉर्मेट ऑफ ए फॉर्मल लेटर, मतलब एक फॉर्मल लेटर का जो तुम ब्लॉक फॉर्मेट होता है फॉर्मेट, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए, ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए, है ना। जैसे देखो क्या पहले क्या लिखा हुआ है, देर इज नो आइडेंटिफिकेशन मतलब इसमें कोई पहचान नहीं मिली, गलत हो जाएगा। यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स इन डिस्पेंट विथिन द ब्लॉक फॉर्मेट, देखो जब लेटर लिखते हैं ना तो लेटर में किसी भी तरह का पंक्चुएशन मार्क्स नहीं होना चाहिए, समझे ना, एकदम बिल्कुल मिस्टेक हो जाएगा, गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, क्या बता रहे हैं। चलो आगे देखो, ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि देयर इज नो आइडेंटिफिकेशन, मतलब कि इसमें क्या लिखा होना चाहिए कि जिस पर्पज से तुम लिख रहे हो एकदम सिंपली सा वही पहचान इसमें तुमको देना है, ठीक है, तो तुम्हारा जिस पर्पज लेटर जा रहा है उसी पर्पज का तुम वहाँ पे आईडी दोगे, मतलब वो आइडिया दोगे कि हाँ मैं इस तरह लिख रहा हूँ, मतलब ये भी सही होगा, ठीक है, गलत नहीं होगा, ये सही होगा। दूसरा क्या, यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स इन डिस्पेंट विथ इन द ब्लॉक फॉर्मेट, अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि मुझे कहीं पर ये पंक्चुएशन मार्क बैठाना चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जैसे बोल रहे थे जैसे दैट, है ना, तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, दैट मैंने लिखाया था, ठीक है, ओके, तो को लग रहा है कि इतना लंबा क्यों लिखे, थोड़ा सा छोटा ही करके दे दे, है ना, तो इनको लग रहा है कि हाँ मुझे यहाँ पर फुल स्टॉप डालना चाहिए, डाल सकते हो, तो लग रहा है कि हाँ मुझे एक्सक्लेमेशन मार्क डालना चाहिए, डाल सकते हो, ठीक है, तो ये भी रहेगा, ओके, ये भी सही रहेगा। ईच ब्लॉक बिगिंस विथ मार्जिन लेफ्ट हैंड साइड, मतलब जितने ही ब्लॉक शुरू करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इधर है थोड़ा जगह छोड़ देंगे, ठीक है, ओके, इसका मतलब सारा का सारा ये सही है, यहाँ ऑल डोर सही है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हाट इज द करेक्ट वे टू राइट द सब्सक्रिप्शन इन ए फॉर्मल लेटर, ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि जब हम लोग स्टार्टिंग करते हैं जब एंडिंग करते हैं लेटर को, तो जितना लेटर मैंने लिखा और जिसके लिए मैंने लिखा है उसको तो बिल्कुल सही सोहा देने के लिए हम इसमें से कौन सी यूज करेंगे, जैसे योर्स ट्रली, ये योर ट्रली, ये यू ट्रली, या फिर नन, क्या लिखते हैं लास्ट में, योर ट्रली, क्या लिखते हो, योर्स ट्रली या फिर यू योर ट्रली, मतलब होता है आपका विश्वासी, है ना, उसमें क्या लिखते हैं, योर्स होगा या योर होगा या फिर यू होगा या फिर कोई चीज नहीं, योर क्या होगा जल्दी बताओ। देखो इसका सही आंसर होगा ए योर्स, क्लियर। व्हाट इज द राइटिंग ऑन द टॉप ऑफ द एडिटर्स लेटर्स ऑन द लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में
जो लिखा रहता है ठीक है लेफ्ट साइड में कि एडिटर्स लेटर्स, इसके ऊपर में क्या लिखा रहता है तो सैलुटेशन योर्स ट्रूली सब्जेक्ट या फिर सेंडर एड्रेस ठीक है तो यहाँ किसी को प्रॉब्लम नहीं है ओके चलो इसे सबमिट करो नेक्स्ट जो बचा है ना हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे तो और कुछ क्वेश्चन छूटा हुआ है इसमें ठीक है प्लीज सर।